चलेंगे पश्चिम बंगाल दीघा, जहां रवि दत्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रवि दत्ता, क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में, तैयारियां किस तरह से हैं, लोगों को सचेत कैसे किया गया है और कौन कौन से इलाके हैं पश्चिम बंगाल के जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं दाना से? देखिए, इस वक्त मैं दीघा में हूँ और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवा भी शुरू हो चुका है। आपको एक बार दिखा देता हूँ, दीघा का तटीय बीच आप देखिए, जो तटीय इलाका है सुनसान कर दिया गया है, खाली कर दिया गया है। यहाँ पे NDRF, पुलिस सब यहाँ पे तैनात है। और सबसे बड़ी बात है, आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे जो कि पश्चिम बंगाल सरकार का बांग्लो है, वो देखिए, वो इलाका पूरा खाली कर दिया गया है, क्योंकि यही वो इलाका है जो यश के समय, आम्फान के समय बहुत ज़्यादा इनको नुकसान भरना पड़ा था। तो ये जगह पे जहाँ पे हम लोग है इस वक्त, ये ओल्ड दीघा है, न्यू दीघा के तरफ मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, अपना कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए। दूर आपको जो छोटी सी एक टीला जैसी दिखाई दे रही होगी, वो जंगल है, वो उड़ीसा है। और यहाँ पे जो वॉच टावर्स है, वहाँ पे लोग, यहाँ पे जो पुलिस के और NDRF के जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं, बीच में किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। धीरे धीरे टाइड्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, अगर आप समुद्र के लहर आप देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि हवा का रुख है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो हवा की रुख है, ये कह रहा है कि धीरे धीरे ये जो चक्रवर्ती तूफान है ये बढ़ रहा है लैंड की तरफ, और दीघा इफेक्ट होने का जगह कगार पे है, क्योंकि जो टेल एरिया होता है एक साइक्लोन का, चक्रवर्ती तूफान का जो लेज होता है, वो दीघा के ऊपर से जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जो दीघा की जो सारे रिसॉर्ट्स है, दुकान है, वो बंद कर दिया गया है। लोग जो है यहाँ पे पूरी तरीके से उनको अपना रूम में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे NDRF की जो टीम्स है, वो टीम यहाँ पे गांव-गांव में पहुंच चुके हैं, और जो लोग गांव से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती लाया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी का घर है, अगर बारिश का और हवा के चलते वो धस गए तो लोगों के जान का नुकसान हो सकता है। अम्फन और याश में हम लोग देखा था कि कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को वक्त से पहले ही सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर और अपडेट आपके सामने, जहां जानिए कैसे दाना तूफान को लेकर ही एक्शन में उड़ीसा सीएम मोहन मांझी भी नजर आए हैं, और सीएम मोहन मांझी ने तैयारियों की जिस तरीके से समीक्षा की है, आपको बता दें जिला कलेक्टर्स राहत और बचाव के निर्देश देते जा रहे हैं और चक्रवात प्रभावित इलाकों को देखते हुए बड़े फैसले हुए हैं, सुरक्षित जगह विस्थापन का भी आदेश दिया गया है। तो एक्शन में ओडिशा के सीएम दाना से निपटने की तैयारी पूरी, सीएम मोहन चरण मांझी ने समीक्षा बैठक की है इसको लेकर, तैयारियों को लेकर, और दाना से निपटने की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। बैठक में उच्चाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने ब्रीफिंग दी। सीएम ने जनता से न घबराने की अपील भी की है, सुरक्षित और सतर्क रहें, ये कहा है मोहन मांझी ने ओडिशा के सीएम ने। 90% लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, ये भी सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। अब तैयारियों के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि दाना में जिस तरीके से असर की बात हो रही है उसको देखते हुए उड़ीसा में हुई तैयारियों के बारे में खबर यह है कि 288 राहत टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 178 फायर ब्रिगेड की टीम्स भी तैनात बताई जा रही हैं। 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं, 10,00,000 लोगों की शिफ्टिंग भी कर दी गई है अब तक स्थिति को देखते हुए। 550 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, 14 जिलों में रेड अलर्ट है और 25 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेजों की छुट्टी है, 3000 पर्यटक पुरी से वापस भेजे गए हैं। कुंदन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, अब इसको देखते हुए अगर आप बता रहे हैं कि लैंडफॉल का लगभग 4 घंटे का एक टाइम स्पैप हो सकता है, उससे पहले भी क्या अभी भी ऐसी चुनौती है कि पोर्ट के आसपास लोगों को किसी तरीके से सुरक्षित जगह जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके? देखिए, इवैक्यूएशन का काम सुरभि लगभग पूरा हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनकी नावें हैं और वो लोग यहाँ पे खड़े हैं अपनी अपनी नावों को सुरक्षित देखने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि ठीक इसके सामने समंदर है और उस पार सब कुछ हो रहा है या सब कुछ होने की गुंजाइश है। तो जो आम लोग हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की क्या स्थिति है, लग रहा है क्योंकि बड़ा तूफान आने वाला है, तैयारी वगैरह सब पूरी है? जी सर, जी जी, बड़ा तूफान आने वाला है, 24-25 को न्यूज दे रहा है, आने वाला है, इसलिए पूरा
हम लोग 17 गए। अच्छा, बाहर से चला गया है घर लोग। अच्छा, सब लोग बाहर चले गए हैं। जी सर। तो एक लोग सिर्फ रह गए हैं घर के, मतलब कोई भी मुखिया रह गया? कोई नहीं है। अच्छा, घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो आप लोग सिर्फ अपने बंदरगाह पे नावों की सुरक्षा के लिए हैं या? हाँ, सुरक्षा के लिए है, पास में है, 2-3 किलोमीटर पास का है। सरकार ने जो तमाम उपाय किए हैं वो काफी है या आपको लगता है और भी सुविधा की जरूरत है? और सुविधा की जरूरत है, काफी नहीं है। शहर में बिजली वगैरह अभी आ रही है? काट दिया गया? बिजली वगैरह काल से नहीं है, कल से काट दिया गया है। अच्छा, और पानी वगैरह की सुविधा? पानी वगैरह सब सुविधा है। अच्छा, पानी है, बिजली कट गई है। भाई साहब, किस तरह की तैयारी है यहाँ पे आप लोगों की? अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप लोग क्या 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 तैयारी है यहाँ पे? अभी तो सब तो चलती है, एरकम वर्षा पाक चलती है, वर्तमान तो कुछ होने है। कुंदन, अच्छी बात यह है कि लोग अवेयर है, लोग अलर्ट है, और उसी को देखते हुए वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि वक्त से पहले सभी लोग सुरक्षित अपने सामान को भी और साथ ही अपने अपने लोगों को भी पहुंचा सके।